वेलकम टू टाके विद एस ए। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी के बारे में। यूपीडब्ल्यूएससी ऑफिशियल नोटिस के भर्ती से रिलेटेड के संबंध में ये नोटिस है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, एजीटी, अन्य भर्तियों के एग्जाम कब तक, और उत्तर प्रदेश यूपीडब्ल्यूएससी से एक और बड़ी कृषि भर्ती जल्द। यूपीडब्ल्यूएससी से लोअर पीसीएस भर्ती के अंतर्गत एग्रीकल्चर मतलब कृषि छात्रों के लिए 500 प्लस पदों पर भर्ती। ऑफिशियल अध्याचन प्राप्त, आरटीआई रिप्लाई, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। इसके अलावा बंदरों का कंबाइंड टेक, मुख्य सेविका, लोअर पीसीएस, फॉरेस्ट गार्ड, ट्यूबल ऑपरेटर की आरटीआई रिप्लाई 9110 पोस्ट, और सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर और मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू, इन सभी भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी दे देते हैं सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर और मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, कल दो नोटिस आए थे, एक परीक्षा निविदा मतलब ई टेंडर से रिलेटेड, और एक आया था आपका इंटरव्यू से रिलेटेड। और ये इंटरव्यू से रिलेटेड जो आपका आया था नोटिस, तो ये मैंने आपको वीडियो बना के जानकारी दी थी, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे एग्रीकल्चर अन्य सभी भर्तियों की जानकारी मिलती है। यूपीडब्ल्यूएससी और ये टारगेट विदेशी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक पीडीएफ डाली है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीडब्ल्यूएससी सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट। तो यहाँ पे जो कल नोटिस आया था, तो वो सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर की शॉर्टलिस्टिंग का था। और इसके अलावा जो लिस्ट है वो यहाँ पे डाल दी है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो भी इसमें छात्र बुलाए गए हैं इंटरव्यू के लिए, उनकी ये ऑफिशियल लिस्ट है, देख सकते हैं यूपीडब्ल्यूएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और यहां से आप लोग अपनी लिस्ट में पूरा ये नाम वगैरह, और जो भी स्टूडेंट हैं अपना नाम यहां पे चेक कर सकते हैं, इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, ठीक है। तो ये लिस्ट अगर चाहिए आप लोगों को सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर की, तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एसएएच, इस पर जाके आप लोग ये लिस्ट देख सकते हैं। अब बहुत से छात्र ये कन्फ्यूज हो रहे थे कि ये मिल्क सुपरवाइजर का नोटिस है या सीनियर मिल्क क्या है ये, तो ये यूपीडब्ल्यूएससी सीनियर मिल्क सुपरवाइजर की ये शॉर्ट लिस्टिंग है, ठीक है, मतलब इंटरव्यू का नोटिस ये कल जारी किया गया था। इसके अलावा मिल्क सुपरवाइजर का इंटरव्यू का नोटिस भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था कि 2016 में ये भर्ती आई थी, और एक ही विज्ञापन संख्या मतलब इनकी विज्ञापन संख्या एक ही थी, इसीलिए यहाँ पे छात्र जो हैं वो कन्फ्यूज हो रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर की ये लिस्ट है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/5/2016 है। तो ये सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर और मिल्क सुपरवाइजर का एडवर्टाइजमेंट नंबर लगभग एक ही था, तो ये मिल्क सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर का जो इंटरव्यू है उसके लिए ये नोटिस कल जारी किया गया था। बाकी मिल्क सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क सुपरवाइजर का इंटरव्यू भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, इसकी भी नोटिस आएगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और आपका इंटरव्यू भी बहुत जल्द लगाया जाएगा। उम्मीद है कि इसी अगले अक्टूबर महीने में आपका इंटरव्यू भी लगा दिया जाए मिल्क सुपरवाइजर वालों का, ठीक है। तो कल दो नोटिस ऑफिशियल तरीके से जारी किए गए थे, एक नोटिस अनऑफिशियल मतलब विभागीय नोटिस जारी किया गया था। कौन सा नोटिस है ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से 27 सितंबर 2024 का नोटिस है। ये आयोग के विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2022 बंद रोगा के संबंध में ये नोटिस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बंद रोगा के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है, तो इसमें अर्हता से संबंधित ये नोटिस है और ये जारी किया गया है, तो इसमें काफ़ी विवाद रहा है, इसी वजह से इसमें ये नोटिस जारी किया गया है। और ये विभागीय नोटिस है, ये वेबसाइट पर आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, जैसे टेंडर कैंसिल का नोटिस आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिला था, ये नोटिस भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये पूरा नोटिस है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये डिग्रियाँ मांगी गई हैं, और बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एजी ऑनर्स, और यहाँ पे बीएससी हॉर्टिकल्चर, और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पर ये डिग्रियाँ अगर आपके पास हैं तो इसमें आप लोग अलाउ हो जाएंगी। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, अन्य भर्तियों के एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो देखिए, टेंडर कैंसिल हो गया था, अब टेंडर के लिए कल दोबारा नोटिस जारी किया गया है, और 5 अक्टूबर तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद परीक्षा एजेंसी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक बार टेंडर कैंसिल हो गया, 2 महीने प्रक्रिया चली, और अब 7 दिन में ये टेंडर कम्प्लीट कर लेंगे मतलब एजेंसी मिल जाएगी, तो इस पर छात्रों को विश्वास नहीं है, इसीलिए छात्रों ने डिसाइड किया है कि 4 अक्टूबर को
बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है UPSC आयोग पर, 4 अक्टूबर की डेट है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें 4 अक्टूबर को, वरना ये आयोग इस साल कोई भी परीक्षा करा पाएगा इस बात की उम्मीद बहुत ही कम है। अगर आप लोग चाहते हैं UPSC जल्द से जल्द अपनी परीक्षाएं शुरू करें, तो आप लोगों को 4 अक्टूबर को अपनी परीक्षा डेट की मांग करने के लिए UPSC आयोग पर पहुंचना है, और बहुत सारे छात्र पहुंचेंगे। वैसे अगर एजेंसी का चयन हो जाता है तो अगर इस साल परीक्षाएं शुरू हो पाई तो ठीक है, वरना जनवरी में कुंभ मेला स्टार्ट हो जाएगा, उसमें अधिकारियों की ड्यूटी लग जाएगी, तो आपके एग्ज़ाम और ज़्यादा लेट हो जाएंगे, और फिर आपके एग्ज़ाम मार्च से पहले आपके एग्ज़ाम जो हैं UPSC के, वो स्टार्ट हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से 4 अक्टूबर को आप लोग सभी 4 अक्टूबर को UPSC आयोग पिकअप भवन जरूर पहुँचें, और वहाँ अपनी भर्ती के परीक्षा के मांग करें, और एक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग करें, ठीक है। तो सभी छात्र पहुँचें, ये सभी की जिम्मेदारी है कि अपनी भर्ती के लिए प्रयास करें, ठीक है। बाकी जो टेंडर की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है, अगर एजेंसी मिल जाती है एग्ज़ाम की, तो उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि UPSC ऐसा आयोग है जो धोखा देता रहा है, जो बात बोलता है वो कभी कर नहीं पाता है। अगर एजेंसी मिल जाती है तो हो सकता है इस साल 1-2 एग्ज़ाम करवा लिए जाएँ, उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम हैं वो मार्च के बाद ही हो पाएंगे, और कुंभ मेला की वजह से लेट हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए 4 अक्टूबर को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयोग पहुँचे धरना प्रदर्शन में। तो अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इन भर्तियों की, फिर इसके बाद में ये इस भर्ती की जानकारी देंगे। तो देखिए, बंद दरोगा का रिजल्ट के बारे में छात्र पूछ रहे थे, तो इसमें जो अभी डॉक्यूमेंट चेकिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है, और जो आपके एलिजिबिलिटी है उसमें भी पेंच है, इसके तहत जो ऑफिशियल नोटिस अभी मैंने दिखाया है, तो ये सब शॉर्ट आउट करके, ये जितनी भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं इस भर्ती की, ये सब शॉर्ट आउट करने के बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसीलिए अभी कोई भी निश्चित डेट नहीं है, और आप लोगों का रिजल्ट पहले सितंबर लास्ट बोला गया था, अब अक्टूबर लास्ट बोला गया जब स्टूडेंट गए, लेकिन अभी तक मैं आप लोगों को बता दूँ कोई निश्चित डेट निश्चित नहीं है, डिसाइड नहीं है कि बंद दरोगा का रिजल्ट कब तक आ पाएगा। इसीलिए आप लोग अभी इंतज़ार करिए और आयोग की सुस्त प्रणाली का मज़ा लीजिए। तो अभी फ़िलहाल इसका रिजल्ट जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, 1-2 महीने का समय लग सकता है, और बाकी आयोग है, जो भी अपडेट होगी आपको बता दिया जाएगा। आयोग अगर जल्दी इस पर काम कर लेता है तो जल्दी भी आ सकता है। आगे कंबाइंड टेक की बात करें तो इसमें अभी कोई काम नहीं हो रहा है, इसका काम बिल्कुल तरह से रुका पड़ा है, तो इसका रिजल्ट अभी उम्मीद ना करें। मुख्य सेवगा की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को लगा दी गई है, और उम्मीद है 4 अक्टूबर को कुछ अच्छा हो, जो स्टे लगा हुआ है इस भर्ती पे वो हटा दिया जाए। इसके अलावा बात करें ट्यूबवेल ऑपरेटर की, तो ये एक RTI से प्राप्त जानकारी में ये पता चला था। देखिए, ये RTI की जानकारी है, और ये अगस्त की है, 28 अगस्त, ठीक है, ये 28 अगस्त की डेट है, और ये RTI जो है, इसमें जो स्वीकृत पद हैं वो 18,811 पद हैं, बाकी जो नलकूप चालक के जो रिक्त पद हैं 9,110 रिक्त पद हैं, तो हो सकता है ये लगभग 10,000 पदों पे ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिले, जब तक ये इसकी ये विज्ञापन निकालने की बात हो और संशोधित अध्याचन अगर पहुंच जाए, तो हो सकता है 10,000 पदों पे इसका विज्ञापन जारी किया जाए। बाकी आयोग है, कुछ कह नहीं सकते। बाकी इसमें जो रिक्त पदों की संख्या है वो 9,110 पद रिक्त हैं, बाकी देखने वाली बात ये होगी कि विभाग कितने पदों पर अध्याचन भेजता है और कितने पदों पर ये भर्ती निकाली जाती है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड और लोअर PCS की। फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो परीक्षा की OMR सीट तलब, ये आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकल के आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव के वर्ष 2019 की 655 फॉरेस्ट गार्ड व वाइल्ड लाइफ गार्ड भर्ती की मूल OMR सीट हलफनामे के साथ सीलबंद लिफाफे में पेश करने के लिए आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने रामशंकर व अन्य एक अन्य की याचिका पर दिया। याचियों का कहना है कि वह OBC व EWS के अभ्यर्थी हैं और पद के लिए योग्य हैं।
तो 21 अगस्त 2022 को लिखित परीक्षा में 3 OMR सीट दी गई। इनमें एक अभ्यर्थी की, एक ट्रेजरी कार्यकल्प और एक आयोग की थी। दस्तावेजों का सत्यापन किया गया लेकिन याचियों का चयन नहीं किया गया। याचियों ने आयोग को 2 सितंबर 2024 का प्रत्यावेदन भी दिया लेकिन अब तक उसका निस्तारण नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं लोअर PCS के बारे में। 8 वर्ष से नहीं निकली लोअर सबॉर्डिनेट की भर्तियाँ, ये आज न्यूज़पेपर में न्यूज निकल के आई है। 17 विभागों की नौकरियां आती हैं लोअर सबॉर्डिनेट के अंतर्गत। देखिए 17 विभाग की ये नौकरियां आती हैं और किस विभाग में कितने पद खाली हैं ये मैं अभी लिस्ट पूरी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये आज न्यूज़पेपर में खबर निकल के आई थी, मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था। तो आपको बता दें लोअर PCS की भर्ती के लिए छात्र जो हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पिट 2023 से ही इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाए। ठीक है, बाकी ये विज्ञापन पिट 2023 से आ पाता है या नहीं ये तो आपकी कोशिश, आप सभी लोगों की कोशिश पे डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा प्रयास करेंगे आप लोग, ज़्यादा डिमांड करेंगे तो आयोग को ये विज्ञापन देना पड़ सकता है, लेकिन अभी कुछ ऐसा है आयोग का हाल कि अभी आयोग के पास जो है वो चेयरमैन भी नहीं है, परीक्षा एजेंसी भी नहीं है, तो आयोग अधर में लटका हुआ है और नई वैकेंसी कोई निकाल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए लोअर PCS की भर्ती की आने की संभावना अभी पिट 2023 से संभावना है तो, लेकिन बहुत ही कम संभावना है। बाकी ये भर्ती पिट 2023 से आएगी या पिट 2024 से आ पाएगी इसके बारे में अभी कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता है। और लोअर PCS के अंतर्गत ही आपको एग्रीकल्चर की भी एक अच्छी भर्ती देखने को मिलेगी कई पदों पे। उत्तर प्रदेश UPSC से कृषि भर्ती, मतलब UPSC जो लोअर PCS भर्ती के अंतर्गत एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए 500 प्लस पदों पर भर्ती। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा लोअर सबॉर्डिनेट प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा PCS के बाद दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। इसके अंतर्गत करीब 2 दर्जन विभागों में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का चयन होता है, लेकिन पिछले 8 वर्षों से यह परीक्षा और संबंधित पद कहीं खो गए हैं। पहले यह परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता था लेकिन बस 2018 से इसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दिया गया, जिसके बाद एक बार भी ना तो कोई वैकेंसी आई ना ही परीक्षा आयोजन किया गया। तो प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर मांग किया है कि इसे फिर से लोक सेवा आयोग को दिया जाए। तो प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले ही काम के बोझ में दबा हुआ है, उसके पास पिछले 4 साल पहले तक की करीब 20,000 भर्तियाँ लंबित हैं, तो लोअर PCS की परीक्षा की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को पहले की तरह दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये लोअर PCS को केवल एक भर्ती 2019 की जो 2023 में पूर्ण हुई है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। इस वजह से लाखों मेधावी छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। अब देखिए इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन से पद हैं। वैसे तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से इसमें पद हैं, लेकिन एग्रीकल्चर वालों के लिए कौन कौन से पद हैं मैं आप लोगों को बता दूं इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये खाद एवं रसद, इसमें एग्रीकल्चर की हो सकती है पोस्ट, और ये गन्ना आयुक्त खांड सारी निरीक्षक नाम से ये भर्ती आएगी, इसमें पोस्ट होगी। तो ये गन्ना आयुक्त की पोस्ट होगी और इसमें आप लोगों को जो पदों की संख्या खाली है अभी जो वैकेंट पोस्ट है इसमें लगभग 40 पद जो हैं अभी तक खाली हैं, ये जानकारी प्राप्त हो रही है गन्ना आयुक्त के। इसके अलावा आप देख सकते हैं पशुपालन विभाग के भी पद हो सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं सहायक विकास अधिकारी, ये कई विभागों से सहायक विकास अधिकारी नाम से ये भर्ती आएगी, तो इसमें भी एग्रीकल्चर के लिए अच्छे खासे पद हैं। अब दिखा देता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो ये टेलीग्राम चैनल है, 27 अगस्त की ये पोस्ट है, मैंने एक पोस्ट डाली थी यहाँ पे टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये एक RTI रिप्लाई का ये पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये लोअर PCS के संबंध में। तो यहाँ पे देखिए UPSC लोअर PCS अपडेट, सहकारी निरीक्षक Grade 2 सहायक विकास अधिकारी सहकारिता ई अध्याचन UPSC से स्वीकार कर लिया गया है। तो कुल सृजित पद, इसमें जो कुल सृजित पद हैं 1161 पद हैं, कुल खाली पद हैं वो हैं 623, और कुल जो अध्याचन स्वीकृत किया गया है वो है 421, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 422 पद हैं। ठीक है, ये 422 पद हैं।
इसके अलावा मैंने अभी आप लोगों को न्यूज़पेपर में दिखाया कि कुछ और विभाग हैं जिसमें एग्रीकल्चर की भर्तियां आएंगी, तो लोअर पीसीएस का जो टोटल वैकेंसी आएगी वो 1100 1200 या 1500 तक भी हो सकती है। इसमें एग्रीकल्चर के जो टोटल पद आपको देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर छात्रों के लिए वो 500 प्लस होने वाले हैं, जिसमें से ये भर्ती जो है आपकी सहायक विकास अधिकारी सहायक निरीक्षक ग्रेड 2, इसमें ये जो अध्याचन स्वीकार किया गया है 422 पदों के लिए, इसमें एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल हैं। इसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 सहायक विकास अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, रुपए देख लीजिए और ग्रेड पे देख लीजिए, जो रुपए है वो 9300 से 34800 और ग्रेड पे 4200, ये ग्रेड पे 4200 है। और अनिवार्य जो योग्यता है वो कला अर्थशास्त्र में स्नातक या वाणिज्य में या फिर बीएससी कृषि में स्नातक, देख सकते हैं आप लोग बीएससी कृषि में स्नातक इसमें डिग्री जो है वो मांगी जाएगी, तो आप लोग इस भर्ती के लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो वरीयता दी जाएगी अधिमानी अर्हता वालों को, उनकी अर्हता यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी कृषि साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें दूसरे लोग फार्म नहीं डाल पाएंगे, मतलब हॉर्टिकल्चर वाले या बायोटेक्नोलॉजी वाले या इंजीनियरिंग वाले वो लोग फार्म नहीं डाल पाएंगे, साफ साफ बीएससी कृषि लिखा हुआ है, तो बीएससी वाले ही बीएससी एजी वाले ही इसमें आवेदन कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। और इस पोस्ट के लिए अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ये 27 अगस्त की पोस्ट, इसमें आरटीआई का रिप्लाई में ये 421 लिखा है, लेकिन 422 पदों पर इसका अध्याचन जो है वो स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मैंने न्यूज़पेपर में भी दिखाया गन्ना आयुक्त वगैरह ये जो भी पद हैं आपके वो इसमें देखने को मिलेंगे, कि टोटल 500 से ज़्यादा ऐसी भर्तियां होंगी जिसमें एग्रीकल्चर वाले अलाउ होंगे। इसके अलावा कुछ जनरल क्वालिफिकेशन की भर्तियाँ होती हैं जिसमें एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ एग्रीकल्चर भर्तियों के बारे में, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए गुड न्यूज़, इसके बारे में मैंने पहले ही टेलीग्राम पे जानकारी दे दी थी, तो आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी आगे जानकारी मिलेगी वो यहाँ टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। टारगेट विद एसएएच नाम से ये टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। और एग्रीकल्चर वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी लोअर पीसीएस के अंतर्गत, अध्याचन इसका प्राप्त हो चुका है और यहाँ पे सिर्फ बीएससी एजी वालों को ही अलाउ किया जाएगा। बीएससी एजी वाले जो पीटी में जिनके अच्छे नंबर होंगे उनको ही लोअर पीसीएस की मेन एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनको ही एक अच्छा मौका मिल पाएगा। तो अगर पेट 2023 से भर्ती आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो पेट 2024 से अगर ये लोअर पीसीएस की भर्ती आती है तो पेट 2024 में आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए होगा। तो जब भी पेट का नोटिफिकेशन आ जाए उसको अच्छे से पढ़ लेना और एक अच्छा स्कोर लेकर आना अगर आप लोगों को लोअर पीसीएस में एग्रीकल्चर पोस्ट पे सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे, UPSSC से लोअर पीसीएस की एक बड़ी भर्ती आएगी जिसमें 500 प्लस पदों पर एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो जनरल पोस्टें होंगी उसके लिए भी एलिजिबल होंगे एग्रीकल्चर वाले, जिसमें जनरल क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वही पोस्ट बता रहा हूँ जो एग्रीकल्चर वालों के लिए होगी, गन्ना आयुक्त या सहायक विकास अधिकारी इस तरह की पोस्ट होंगी जिसमें एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गई पूरी जानकारी, इसके अलावा कोई भी जानकारी होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूँगा। और UPSSC और एग्रीकल्चर भर्तियों के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।